सो गाइस फाइनली आईफोन SE 2020 स्मार्टफोन जो यूएसए में लॉन्च हो चुका है। इसका फुल रिव्यू वीडियो कब तक होगा इंडिया में लॉन्च और साथ ही साथ कितना होने वाला है इसका इंडिया प्राइस, सब कुछ मैंने वीडियो बनाकर ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। तो आप लोग को आई बटन में लिंक मिल जाएगा, साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, नहीं तो आप चैनल में जाइए वहाँ पे भी आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा, उस वीडियो को आप वॉच कर लीजिए। सो गाइस आज का जो हमारा टॉपिक है कुछ ऐसे आईफोन की कमी को लेकर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो उससे पहले मेरा नाम है सिप्पू और आप देखें यूट्यूब चैनल सिप्पू जा। सो गाइस फटाफट वीडियो को चलिए आगे बढ़ाते हैं। सो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और हमारा ये बेल आइकन दबा लीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इसी आईफोन SE 2020 स्मार्टफोन के डिस्प्ले से लेकर। यहाँ पे आपको मिल जाता है 4.7 इंच का डिस्प्ले। सो गाइस 4.7 इंच का डिस्प्ले, वो भी फुल HD डिस्प्ले नहीं, इसमें आपको टॉप नॉच मिलता है। सो गाइस हम कौन से दुनिया में जी रहे हैं, हम कौन से सदी में है, 21वीं सदी में 2020 में है और इसमें आपको कौन सा डिस्प्ले मिलता है 4.7 इंच का, उसमें भी आपको टॉप नॉच के साथ। भाई साहब ये क्या चल क्या रहा है, टॉप नॉच आज के डेट में, ये तो एकदम से आईफोन 8 का ही सक्सेसर है, ये बात तो खुद उसने भी कहा है। तो भाई हम आईफोन 8 ही ले लेते हैं ना, आपको एक छोटा सा स्क्रीन वाला स्मार्टफोन पसंद है मैं जानता हूँ उसके लिए बेस्ट है, लेकिन भाई छोटा सा स्क्रीन पसंद है तो उसमें छोटा सा स्मार्टफोन है लेकिन उसमें भी आपको फुल स्क्रीन देना चाहिए, जैसे iPhone 11 Pro Max में मिलता है उस प्रकार से दे देते तो क्या जाता है। सो गाइस इसने क्या किया, जैसे iPhone 8 का डिस्प्ले उसी डिस्प्ले को इसमें लगा दिया गया है। तो सो गाइस ये डिस्प्ले के मामले में तो एकदम बेकार मुझे लगा है, फाइनली बहुत ही घटिया लगा है। तो बस आज के जमाने में ऐसा डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन लॉन्च नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप एक गेमर हो तो आपके लिए ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी सही नहीं है, चाहे आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो या फिर आप टिकटॉक पे वीडियो देखते हो, तो आपके लिए ये स्मार्टफोन बिल्कुल भी सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। भाई इसमें क्या कमी है, भाई इसमें प्रोसेसर नहीं है अच्छा, ऐसा बात तो नहीं है, इसमें तगड़ा प्रोसेसर है 813 का चिप से, तो भाई इसमें प्रोसेसर तो काफी ज्यादा तगड़ा है, लेकिन इस स्मार्टफोन का जो है डिस्प्ले 4.7 इंच का स्मॉल डिस्प्ले मिलता है। ऐसे डिस्प्ले में आपको ना तो वीडियो देखने में मजा आएगा और साथ ही साथ ना आपको गेम खेलने में मजा आएगा, एक स्मॉल डिस्प्ले में आपको गेम खेलने में मजा आएगा, स्मूथ बहुत ही काम करेगा क्योंकि उसमें 813 का चिप है जो पावरफुल चिप सेट है, 2020 का एप्पल का फ्लैगशिप चिप सेट है ये, लेकिन इसका जो है डिस्प्ले साइज बहुत ही छोटा है। तो भाई अगर आप एक गेमर हो तो आपके लिए बिल्कुल भी बेस्ट स्मार्टफोन है डिस्प्ले के मामला को लेकर, अगर आपको एक स्मॉल फोन पसंद है वही पुराना डिस्प्ले एप्पल का तो आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन है। ये बात करते हैं इसके बारे में नेक्स्ट इसके अंदर में क्या मिस्टेक है। सो गाइस अब नेक्स्ट इसके अंदर में कमी है वो है इसका चार्जर को लेकर, इसमें आपको ऑटो बॉक्स मिल जाता है 5 वाट का चार्जर, स्लो चार्जर है 5 वाट, भाई कम से कम 10 वाट को तो देना ही चाहिए इस स्मार्टफोन के अंदर में। ये बात करें नेक्स्ट कमी को लेकर इसके अंदर मुझे सबसे ज्यादा जो घटिया लगा है, ये बात मुझे काफी ज्यादा बेकार लगा है एप्पल का, खास करके हर बार यही चलता है एप्पल का। ये बात करें आईफोन में आपको 3 वेरिएंट मिल जाता है आईफोन SE 2020 का, 64GB, 128GB, 256GB आपको स्टोरेज वाला स्मार्टफोन आईफोन SE 2020। इसमें से आपको 64GB वाला का इंडिया का प्राइस बताया गया है, लेकिन वहाँ पे यूएसए में इसका प्राइस जो है उसको इंडिया में कन्वर्ट करते हैं उसका होता है 30,000। और इसका बात करें अभी इंडिया में कितना लग रहा है एप्पल 64GB वाला वेरिएंट का आईफोन SE 2020 का, उसका प्राइस है 42,000, यानी कि 12,000 का अंतर। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई 12,000 का अंतर रखा है, उसमें टैक्स लगता है इंपोर्ट कराने में, बहुत सारे GST सब लेता है, तो भाई बता तो कितना भी लगेगा ना तो 2,000 या 3,000 ज्यादा रखना चाहिए, 12,000 यहाँ पे आपको 12,000 के अंदर में आपको एक ऐसा स्मार्टफोन मिल जाता है जिसका आपको 64 MP का कैमरा होगा, 64GB का स्टोरेज होगा और 6GB का रैम भी मिल जाता है, पॉपअप सेल्फी मिल जाता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिल जाता है, क्या क्या नहीं मिल जाता है भाई साहब यहाँ पे 12,000 के अंदर में, और इन्होंने तो 12,000 का कुछ वैल्यूएशन ही नहीं दिया है, सीधा 12,000 का अंतर। तो भाई ये एप्पल का मुझे काफी घटिया लगा। वैसे मेरे हिसाब से इस स्मार्टफोन से अच्छा जो आईफोन 10R है, सो कुछ प्राइस का अंतर है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि सेल तो आता ही रहता है अमेजोन पे फ्लिपकार्ट पे, कुछ ही दिन पहले अमेजोन पे सेल आया था जिसमें आपको आईफोन 10R जो है 43,000 में मिल रहा था, तो ये जो है 42 और 43 ऐसे करके कितने सारे सेल तो आता ही रहता है। तो आप जब कुछ दिन वेट करिए आईफोन 10R लीजिए, अगर आपको स्मॉल डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन और साथ ही साथ एक पावरफुल स्मार्टफोन पसंद है स्मॉल साइज में तो आपके लिए बेस्ट स्मार्टफोन है, क्योंकि इसमें आपको 813 का चिपसेट मिल जाता है जो काफी पावरफुल चिपसेट है। आपके इस स्मार्टफोन को कैमरा को लेकर आपको रियर मिल जाता है 12 एम्पियर और फ्रंट में मिल जाता है आपको 7 एम्पियर, तो कैमरा के लिए स्मार्टफोन बेस्ट स्मार्टफोन है, लेकिन मुझे इसका डिस्प्ले ही थोड़ा घटिया लगा और सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन प्राइस का भी थोड़ा
अंतर कर दिया है इस बार एप्पल ने। तो कैसे इतना ज़्यादा अंतर नहीं रखा है, हर बार रखता है ये तो कॉमन सा बात हो गया अब तो, क्योंकि ये 42,000 और 30,000 कितना ज़्यादा अंतर है, इतना नहीं होना चाहिए, कम से कम इसका 35,000 के आसपास इंडिया प्राइस रखता है। तो दिस इज द बेस्ट स्मार्टफोन ऑफ एप्पल का, मुझे काफ़ी पर्सनली स्मार्टफोन तो काफ़ी पसंद भी है। बात करें इसे स्मार्टफोन के लॉन्च डेट को लेकर, ये लॉन्च डेट होगा लॉकडाउन के बाद फाइनल, अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो शांति से बैठिए और लॉकडाउन खत्म होने का इंतजार कीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए, यहाँ पर आपको लेटेस्ट धमाकेदार वीडियो मिलता ही रहेगा। कमेंट करिएगा जरूर कि आपको आईफोन एसई 2020 कैसा लगा, और बहुत सारे आदमी को कंफ्यूजन है कि इसका जो नेम है आईफोन 9 है, कोई बोलता है आईफोन एसई 2 है, तो भाई साहब इसका जो नेम है वो आईफोन एसई 2020 ही है, इसका जो फाइनल नेम आईफोन एसई 2020 है। देख लीजिएगा इंडिया में लॉन्च होगा तो आईफोन एसई 2020 के ही नाम से आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, तब तक ओके बाय, लेट्स गो।